उतरेगा, सभी को राहत दी जाएगी। ठीक है राकेश, आती हूं आपके पास। दामोदर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दामोदर, एक अच्छा पॉइंट जो है यहां पर युवाओं की तरफ से सामने आया कि कुछ ऐसा हो कि जो प्रदेश के बच्चे हैं उन्हें कमाई के लिए बाहर ना जाना पड़े। ऐसा अगर राजस्थान में होता है, ऐसे अगर कॉरपोरेट इंडस्ट्रीज अगर यहां पर आ जाती है तो फिर ऐसा हो सकता है। अब इसको इसके हिसाब से जो जयपुर में, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपनीज अब देखते हैं कि जयपुर में है, और ज्यादा कैसे डेवलप हो सकते हैं, और ज्यादा ऐसी क्या यहाँ पर घोषणाएं हो सकती है राजस्थान के लिए, जयपुर के लिए? देखिए, जो सरकारों को, खासतौर से केंद्र सरकार को, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाना होगा। उसके साथ क्योंकि गांव के लोग हैं, वो वहीं पे उनको रोज़गार मिल सके, तो ऐसे में गांव छोड़कर वो यहाँ ना आ सके, यहाँ से वो जिला ना छोड़ सके, जिले से छोड़ कर प्रदेश ना छोड़ कर जाना पड़े, तो ऐसे में सरकारों को सूक्ष्म लघु उद्योग जो है MSME उसको बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हर राज्य में जो MSME है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला सेक्टर होता है, और उसी सेक्टर के माध्यम से हर वर्ग की जेब में पैसा आता है। तो ऐसे में MSME पर सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए भी कह सकते हैं कि जो लोन की सुविधा है स्पेशली पैकेज उनको देना पड़ेगा, क्योंकि अब कह सकते हैं कि महिला जिस तरीके से जो उद्यमी के साथ साथ वो घरेलू महिला भी होती है ना, उनको दो सेक्टर में काम करना पड़ता है, घर को भी चलाना पड़ता है और अपने बिजनेस को भी, तो ऐसे में दो भूमिका जिस तरीके से निभाती है, ऐसे में महिलाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए लोन बढ़ाना पड़ेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि सर सबसे ज़्यादा जो मुद्दा है वो महंगाई और बेरोजगारी का है देश में, जिस तरीके की जनसंख्या भी है, ऐसे में लगातार जो युवाओं का देश भी कहा जाता है, तो युवाओं को रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले, वो किस तरीके से और इस बजट में कैसे मिले? देखिए, रोज़गार किस तरीके से मिले ये काम सरकार का है,